ग्रामर टिप्स और यूज ऑफ आई माई माई सेल्फ यू यूर देन देन देअर दे आर देयर एक्सेट्रा तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल बेलाइकन को दबाते हैं वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं असलामकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माई वीवर्स वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट टुडे वी विल लर्न अबाउट इंग्लिश ग्रामर टिप्स आज हम अंग्रेज़ी ग्रामर से मुतक नुकात समझेंगे जिसमें हम मी माई सेल्फ इट्स आई यू यूर यू आर देयर 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 इनका जो यूजेस हैं हम वो समझेंगे तो फर्स्ट है मी यूज़ मी वैन समन एल्स परफॉर्म्स द एक्शन अब देखिए मी का इस्तेमाल कब करना है मी का इस्तेमाल हालत मफूली में होता है जैसे कि फ़ॉर एक्ज़ाम्पल शी गेव द चीट शीट टू मी उसने मुझे चीट शीट दिया है न तो इसकी तरह आप बोल सकते हैं शी आंसर्ड मी उसने मेरा जवाब दिया शी लाइक्स मी वो मुझे पसंद करती है इस तरह से मी का यूज़ होगा सेकेंड है माई सेल्फ माई सेल्फ शुड ओनली बी यूज वेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑन यूर सेल्फ माई सेल्फ का इस्तेमाल तब होता है जब आप ख़ुद काम कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर करेक्टिंग माई ग्रामर मुझे अपने ऊपर बहुत ही प्राउड है क्योंकि मैं अपने ग्रामर जो करेक्ट कर रहा हूँ तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं आई डन दिज माई सेल्फ मैंने ये खुद से किया है माई सेल्फ इट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ इस तरह से आप माई सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर करेक्टिंग माई ग्रामर इट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ आई डर्न दिज माई सेल्फ थर्ड है आई आई यानी कि मई यूज़ आई वेन यू आर रिफरिंग टू यूर सेल्फ इन द सब्जेक्ट जब आप अपने आप को बताते हों तो उसके लिए आई यूज़ होता है ये हालत फ़ाली होता है फॉर एक्ज़ाम्पल आई यूज़ टू चीट शीट टू इम्प्रूव माई ग्रामर आई यूज़ टू चीट शीट टू इम्प्रूव माई ग्रामर मैंने चीट शीट का इस्तेमाल अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए किया या फिर आई कैन डू इट मैं ये कर सकता हूँ आई कैन डू इट आई गॉट इट आई गॉट इट इस तरह से आप आई का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में सेकंड है यूअर यू आर द थिंग बिलोंगिंग टू यू यानी कि तुम्हारा यूर यानी तुम्हारा जो चीज़ तुमसे बिलोंग करती है उससे यूअर कहते हैं दिस इज़ यूर पेन ये तुम्हारा पेन है दिस इज़ योअर बैग ये तुम्हारा बैग है दिस इज़ योअर जॉब ये तुम्हारा काम है तुम्हारी जॉब है उसी तरह यू you, यूअर you, इसमें यू आर फुल फॉर्म है यू आर उसका शॉर्ट फॉर्म है उसमें जो है का जो है मुखफ है यानी छुपा हुआ है आर यू श्योर यू आर ऑल राइट कि तुम्हें यकीन है तुम सही हो आर यू श्योर यू यू आर ऑल राइट या इसके अलावा यू आर गोइंग देयर यू आर डूंग गुड जॉब इस तरह से यू आर यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा थर्ड है, है देअर इसी तरह जिस तरह यू आर था उसी तरह देर है जो देर है उसमें का मुखिफ है आ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वर्ड दे आर दे आर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो देर है दे आर हैप्पी वो खुश है दे आर हैप्पी या दे आर बिजी वो बिज़ी है दे आर बिज़ी अब देखिए यहाँ दे आर और यहाँ देर देर यहाँ पे लोकेशन को जाहिर करता है टी एच ई आर यानी देर यानी किसी जगह को किसी लोकेशन को ज़ाहिर करता है वी वेंट टू पेरिस एंड स्टेड देयर फॉर टेन डेज वी वेंट टू पेरिस एंड स्टेड देयर फॉर टेन डेज हम पेरिस गए थे और वहाँ हम दस दिन के लिए रुके तो यहाँ पर जो है जगह लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है वी वेंट देअर लास्ट टाइम इस तरह आप यूज़ कर सकते वी वेंट देर लास्ट टाइम हम लास्ट टाइम वहाँ गए थे इसी तरह इजिट द बिग ट्री देर क्या वहाँ पर कोई बड़ा सा दरख्त है इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी तरह देर देर यानि उनका उनका के लिए यूज़ होता है देअर टी एच ई आई आर देयर यानि उनका द थिंग बिलोंगिंग टू दैम किसी जो चीज़ है किसी से बिलोंग करती है किसी से ताल्लुक़ रखती है तो उसमें देयर यूज़ होता है द रेड वन इज़ देअर हाउस जो रेड कलर का जो घर है वो उनका घर है देयर हाउस देयर आर देयर दीज आर देयर कलीग्स ये उसके कलीग्स है यदि आर देयर क्लॉथ्स ये उसके क्लॉथ्स है दे आर देयर नेबर ये उनके पड़ोसी है इस तरह से देयर का यूज़ होगा इसी तरह हमने दे आर देयर और देयर ये तीनों भी वर्ड्स में जो है हमने डिफरेंस देखा उसके अलावा है इट्स अ कंट्रेक्शन ऑफ वर्ड्स इट इट्स यानी कि उसका इट्स बीन टू ईयर्स इट्स बीन टू ईयर्स उसे दो साल हो गए इट्स या फिर इट्स नॉट गुड या इट्स नाइस ड्राइंग इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अब उसके अलावा इट इज़ इट इट्स बींग टू ईर्स इट इज़ नाइस ड्राइंग इट इज गुड वर्क इस तरह से अब इट्स जो है उसका द थिंग बिलोंगिंग टू इट द डॉग वेग्ड इट्स टेल डॉग उसकी दुम हिला रहा है डॉग उसकी दुम हिलाता है या आप इस तरह से बोल सकते हैं द कैट ड्रिंक्स इट्स मिल्क जो कैट है उसका दूध पीती है इट्स नॉट राइट इट्स नॉट राइट इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं फिफ्थ है देन देन यानी तब देन ऑफ़न यूज टू सिचुएट एक्शंस इन टाइम ये जो है टाइम को जाहिर करता है आई रीड द चीट शीट देन करेक्टेड द ग्रामर इन माई ऐसे मैंने अपनी चीट शीट को पढ़ा और तब मैंने अपना जो ऐसे था ग्रामर का वो ऐसे का जो ग्रामर है उसको करेक्ट किया या और एक एग्जाम्पल आप इस तरह से दे सकते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस कम्पेयर टू देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस कम्पेयर टू देन उसी तरह टी एच ए एन दैन दैन यानि दो चीज़ों में कम्पेरिजन के लिए दैन यूज़ होता है अ कंजशन यूज मेनली इन मेकिंग कम्पेरिजनस फॉर एग्ज़ाम्पल माई ग्रामर इज़ बेटर देन यूअर्स मेरा जो ग्रामर है वो बेटर है देन यूअर्स तुम्हारे ग्रामर से यानि कि दो लोगों में जो है कंपेरिज़न हो रहा है यहाँ पर ग्रामर में सेकेंड आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ही इज़ टॉलर देन राहुल वो राहुल से ज़्यादा टॉलर है शी इज़ बेटर देन रानी वो रानी से ज़्यादा अच्छी है इस तरह दो लोगों में या दो चीज़ों में जब कंपेरिज़न होता है तो देन का यूज़ होता है और यहाँ टी एच ई एंड देन यानी जो वक्त बताता है तब जब उसके लिए दैन यूज़ होता है तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो वर्ड्स है और इनके यूजेस है अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए बेलैकन को दबाना मत भूलिए और हमें सपोर्ट कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग